राणावत डाइट में आपका स्वागत है। जय श्री रामाकृष्ण। जब पेट कमज़ोर हो जाता है, पेट की अग्नि कमज़ोर पड़ जाती है, तो काफ़ी बीमारियों का जन्म हो जाता है और व्यक्ति परेशान हो जाता है। आजकल जो खाने घर के अंदर मिलने चाहिए वो पौष्टिक आहार मिलता नहीं है, व्यक्ति के पास समय नहीं है, जल्दबाजी के चक्कर में बाजारू खाना खाता है, और जो बाजारू खाना खाता है तो हो सकता है कि उन लोगों में पेट दर्द की शिकायतें हों, और पेट दर्द होते होते बवासीर तक हो जाते हैं, कब्ज हो जाती है, पेट की अग्नि मंद पड़ जाती है। तो उसके लिए सरल आयुर्वेदिक दवा है वो मैं आपको बताऊंगा। ये सब जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। मैं डॉक्टर उग्ना सिंह राणावत, साइकोलॉजिस्ट और डाइटिशियन, आज आपको बता रहा हूँ पेट की कमजोरी के कारण, पेट में अग्नि कम होने के कारण पाचन संस्थान कमज़ोर हो जाता है उन लोगों में जो कब्ज हो जाती है, और कब्ज के साथ में बवासीर होना शुरू हो जाता है। बवासीर में स्थिति ये होती है कि पहले छोटे से मूंग के दाने की तरह, फिर चने के दाने की तरह, फिर मटर के दाने की तरह, इस प्रकार से निरंतर धीरे धीरे वो बढ़ता है, और बढ़ने के बाद एक अवस्था ये आती है कि ब्लडिंग होती है, खून बहुत जाता है, तो जिसमें काफ़ी लोग इंजेक्शन लगवा लेते हैं और उससे भी छुटकारा नहीं मिलता है। तो उसके लिए काफ़ी लोग ऑपरेशन करवा लेते हैं, कुछ लोग ऑपरेशन नहीं करवाते या असमर्थ होते हैं। तो उनके लिए और जो प्रारंभिक अवस्था में इस रोग से पीड़ित है, तो उनके लिए आयुर्वेदिक जो सरल दवा है, और वे लोग भी जो आयुर्वेदिक प्रेमी हैं, उन्हें आयुर्वेदिक दवा में रुचि है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ, स्वदेशी दवा है, अच्छी आती है, आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बवासीर से मुक्ति मिल जाएगी, कब्ज से मुक्ति मिलेगी, और पेट में जो अग्नि कमज़ोर है उसमें भी लाभप्रद होगा। जो आसानी से आपको ये दवाई आयुर्वेदिक स्टोर है, कई बार ये होता है कि लोग हमें पूछते रहते हैं कि आप ये दवाई भेजेंगे, और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हर तहसील स्तर पे, हर पंचायत स्तर पे वैद्यराज जी बैठे हैं, आप उनसे संपर्क करें, सरकारी तौर पे तो है ही है, अगर आप नहीं संपर्क कर सकते तो प्राइवेट जितने भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर हैं वहाँ पे आपको आराम से मिल जाएगी, और उसका नाम है अभयारिष्ट, नाम वापस सुन लीजिए, अभयारिष्ट, ये दवाई आपको आसानी से मिल जाएगी। इसके ऊपर सारा वर्णन दिया हुआ होता है, और आप उसको अपनी, सबकी मात्राएं अलग अलग होती है, सबका शरीर अलग होता है, बॉडी वेट के अनुसार दवाइयाँ बताई जाती है, इसलिए सबके लिए एक प्रमाण नहीं बताई जा सकती है। आपकी योग्यता, आपके शरीर या बॉडी बाहर जो भी है उसके अनुसार देख के आप 20 ml से 40 ml के बीच में ये दवा निर्धारण करनी पड़ती है, और हो सकता है ये आशोवरिष्ट जो भी होते हैं उनके नीचे तलटी में कुछ कचरा जैसे आपको दिखता है, वो कचरा नहीं होता है, वो औषधि ही होती है। आप इसका सेवन सुबह शाम करेंगे तो पेट के दर्द है उससे भी मुक्ति मिलेगी, कब्ज से मुक्ति मिलेगी, और बवासीर से भी मुक्ति मिलेगी। कोई सार्थक टिप्पणी करेंगे आप तो सार्थक टिप्पणी का जवाब दूंगा। मिलते हैं नए अपडेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।